दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप BCA कर रहे हो तो आपका ये 3 इंग्लिश का पेपर है जो आपको पास करना है। एक है FEG 2, दूसरा जो होता है वो है MCS 015, और एक पेपर जो आएगा बाद में वो है BCS 055। ठीक है, तो अगर आप तीनों पेपर में गौर करो, कॉमन क्या होता है, जो दिया जाएगा ये आइडिया के ऊपर आपको लिखना है, लेकिन कॉमन जो होता है वो है ग्रामर। दोस्तों ग्रामर, तो कुछ भी अगर आप लिखोगे, ग्रामर ठीक लिखोगे तो आपको 70 से 80 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो टॉपिक दिया जाता है वो आसान होता है, लेकिन स्टूडेंट लोग जो गलती करते हैं वो ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको जानना है वो है टेंस में गलती करता है, जहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलता है, बहुत कम मार्क्स मिलता है, फेल भी हो जाता है स्टूडेंट। तो टेंस का मैंने एक वीडियो अलग से बनाया, वो देख लेना। ठीक है, आज का क्लास में जो पढ़ाएंगे हम वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस, जैसे बोला जाता है वॉइस चेंज। देखो यहाँ पे जो आप जो पेपर का एग्जाम दोगे, ठीक है, आपका टेंस मस्ट है, टेंस के बिना सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी आपको लिखना है आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना होगा, उसके लिए टेंस आपको जानना है। टेंस का मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो, एंड स्क्रीन में भी वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और दूसरा जो पढ़ाएंगे आपको जो इम्पोर्टेंट है एक्टिव और पैसिव वॉइस, क्योंकि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में लिखना पड़ता है, कहाँ पे जहाँ पे एक्टिव वॉइस में कुछ आप लिखोगे कुछ पैसिव वॉइस में लिखोगे, तो ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। और जो जानना इम्पोर्टेंट है प्रीपोजिशन का अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस दोस्तों, सो ध्यान देना, क्योंकि आपका BCA कंप्लीट करने के लिए इंग्लिश का 3 पेपर इम्पोर्टेंट है, ये वाला FEG 02, MCS 15 और BCS 055। और जो भी आप करोगे इम्पोर्टेंट है आपका ग्रामर में टेंस इम्पोर्टेंट है, टेंस का वीडियो मैंने बना चुका है वो देख लेना, और एक्टिव पैसिव वॉइस इम्पोर्टेंट है। तो चलो एक्टिव पैसिव वॉइस हम सीखते हैं। तो हम जो सिखाएंगे आपको फॉर्मेट, क्योंकि आप बड़े स्टूडेंट हो, बचपन में ये किए थे, टेंस भी किए थे, एक्टिव पैसिव वॉइस भी बचपन में आप क्लास 6-7 में किए थे, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप अभी कॉलेज में हो, सब भूल चुके हो, होता है ऐसा, सीनियर क्लास में जब आप जाओगे तो भूल जाओगे। तो ये देखो एक्टिव पैसिव वॉइस हम सीख लेंगे अभी। ये फॉर्मेट देखो, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट कैसा होता है, सब्जेक्ट होता है, V1 होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। अगर इस वाला एक्टिव वॉइस को आप पैसिव में चेंज करोगे तो ये फॉर्मेट जो आएगा ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस के यही रूल्स है, जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ जो ऐड होगा वो है इज होगा, एम होगा या आर होगा, इसमें से कोई भी ऐड हो सकता है, इज, ठीक है, एम और आर, कब क्या ऐड होगा वो करते करते हम सोच लेंगे। ठीक है, और उसके साथ जो आएगा V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ पे आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो आएगा वो है सब्जेक्ट आएगा, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में आएगा। तो ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में बैठा दो और कुछ सोचो मत। अभी देखो कुछ एग्जांपल देखो, ही कंप्लीट्स द टास्क, इसको ये एक्टिव को पैसिव करोगे, द टास्क इज कंप्लीटेड बाय हिम, तो द टास्क मतलब ये द टास्क ये सामने आ गया, ये ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट था ये पहले आ गया द टास्क। तो अभी देखो यहाँ पे इज बैठा, इज एम आर में इज बैठा, ठीक है, और V3 बैठा, यहाँ पे कंप्लीट था, कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड बैठा, कंप्लीटेड इज कंप्लीटेड बाय हिम, ये सब्जेक्ट ही था ना, ही तो नहीं बैठेगा ना, ही को हिम हो जाएगा और बाय ऐड हो जाएगा, बाय हिम। ठीक है दोस्तों, रवि रीड्स बुक एवरी डे, बुक्स आर, बुक्स क्यों हो गया दोस्तों, बुक्स इसलिए हो गया, बुक तो एक नहीं बोला, एक बुक होता है तो इज होता है, एस हो गया बुक्स, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में बुक्स था, रवि रीड बुक्स, बुक्स ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कितना था, एक ऑब्जेक्ट नहीं था दोस्तों, बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, मतलब बुक्स एस, तो इसलिए आर हो गया। रीड V3 का रीड ही होता है, ये V1 V2 V3 तीनों का ही रीड होता है दोस्तों, बाय रवि एवरी डे। सी लव्स मी, यहाँ पे मी जो है पहले आ जाएगा, मी को पहले आके मी नहीं रहेगा, आई हो जाएगा, आई के साथ हमेशा एम बैठता है दोस्तों, तो आई एम लव्ड बाय हर,
ये सब्जेक्ट में ये जो सब्जेक्ट था सी सी यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं दोस्तों मतलब सी सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा और हार्ड हो जाएगा दोस्तों। दे स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाई मी, इंग्लिश इज ई से आ जाएगा स्पोकन, वी थ्री हो जाएगा बाई बाई देम, देम क्यों होगा दे दे यहाँ पे देम हो जाएगा। चलो तो अभी देखो ये वाला फॉर्मेट, ये क्या था सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट ऐसा होता है। अभी देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। फॉर्मेट देखो दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। इसी का पैसिव वॉइस में डालोगे तो फॉर्मेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर रहेगा प्लस बी आई एन जी बींग रहेगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज एम आर रहेगा बी आई एन जी बींग हो जाएगा, वी थ्री आ जाएगा और सब्जेक्ट जो था पहले ही पीछे आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखो, सैम इज प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट इज बींग प्लेड बाई सैम, इज हा हुआ ये बींग एड हो जाएगा, ये वी थ्री हो जाएगा प्लेड बाई सैम। दे आर कुकिंग मशरूम, द मशरूम्स आर हो जाएगा, एक मशरूम नहीं बहुत सारा मशरूम एस है यहाँ पे देखो, द मशरूम्स आर बींग कुक्ड बाई देम, द डॉक्टर इज डूइंग द हार्ट ऑपरेशन, द हार्ट ऑपरेशन इज बींग डन बाई द डॉक्टर। अभी देखो सी इज टेलिंग मी समथिंग, आई एम बींग टोल्ड बाई हार समथिंग। अभी जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो दोस्तों, ये है एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट, सब्जेक्ट होगा हैव होगा हैज होगा, वीटी होगा ऑब्जेक्ट होगा। अभी पैसिव का फॉर्मेट देखो, इसको पैसिव में डालोगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, ये हैव होगा हैज होगा जो था वही होगा, प्लस होगा बीन बी डबल ई एन बीन आ जाएगा, वी थ्री होगा और सब्जेक्ट जो पहले था वो लास्ट में आ जाएगा। तो हैज ही हैज ड्रिवन अ बाइक, ही सब्जेक्ट हैज आया ड्रिवन वी थ्री ए बाइक, ठीक है। इसी को आप पैसिव में डालो, फॉर्मेट में डालो, ए बाइक ऑब्जेक्ट सामने आ गया, हैज आ गया बीन आ गया, बीन driven by him जो सब्जेक्ट था ये पीछे आ गया, ठीक है दोस्तों। we have finished the work has been finished by us, she has called her friend, her friends have been called by her, have been क्यों आया दोस्तों, यहाँ पे एक फ्रेंड नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा दोस्त है फ्रेंड्स हो गया, तो फ्रेंड्स मतलब एक से अधिक, तो इसलिए हैव बीन हुआ, इसलिए हैव बीन आ गया, कॉल्ड बाई हर। नील हैज टेकन हर पेंस, यहाँ पे देखो पेंस है पेंस, तो देखो हार पेंस, हार पेंस ऑब्जेक्ट एक नहीं था बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, पेंस हैव बीन हो गया हैव बीन, इसलिए हैव बीन आया। यहाँ पे भी दोस्त एक नहीं था फ्रेंड्स था इसलिए हैव बीन आया था। यहाँ पे हार पेंस हैव बीन टेकन बाय नील। अब यहाँ पे देखो पैसिव पैसिव वॉइस फॉर पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एप्लीकेबल नहीं होगा पैसिव का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तभी चलो एक्टिव पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है फॉर्मेट देखो, देखो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस वास होगा वेयर होगा वी थ्री होगा और सब्जेक्ट होगा। तो ये फॉर्मेट लिखो और देखो एग्जाम्पल कुछ, ही कंप्लीटेड द टास्क वॉज कंप्लीटेड बाई हिम, ठीक है दोस्तों समझ में आ गया। ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ये ही यहाँ पे सब्जेक्ट पीछे आ गया हिम हो गया और वास आ गया कंप्लीटेड हो गया। रवि रोट 10 books, 10 books वेयर हो गया वेयर, क्योंकि एक बुक नहीं है दोस्तों 10 books है एक से अधिक, ये वास नहीं होगा वेयर होगा। 10 books वेयर रिटेन बाय रवि, सी लव्ड मी आई वॉज लव्ड बाय हर, दे स्पोक इंग्लिश, इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय देम, ये दे पीछे चला गया देम हो गया और इंग्लिश पहले आ गया। अभी देखो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट वास वेर वी वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया पहले वास होगा वेर होगा, यहाँ पे बींग हो जाएगा बी आई एन जी बींग होगा, ये वी थ्री होगा सब्जेक्ट होगा। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, सैम वास प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वास बींग प्लेड बाई सैम, क्रिकेट आ गया आगे सैम हो गया यहाँ पे जो सैम था ये लास्ट पे चला गया, ये बाई सैम होगा बाई मतलब यहाँ पे क्रिकेट वॉज बींग प्लेड बाई हिम नहीं होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा
ए से एम सैम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सैम हो जाएगा। तो सैम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वॉज बींग प्लेड बाई सैम, सैम पीछे आ गया दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे वॉस आ गया, बींग एड हो गया और प्लेइंग हट के प्लेड हो जाएगा बाई सैम। दे वर कुकिंग मशरूम्स, द मशरूम्स वर बींग कुक्ड बाई देम, ठीक है, मशरूम्स बहुत सारा मशरूम, वेर हो जाएगा यहाँ पे वेर बींग कुक्ड बाई देम। द डॉक्टर वॉज डूइंग द हार्ट ऑपरेशन, द हार्ट ऑपरेशन वॉज बींग डन बाई द डॉक्टर। सी वॉज टेलिंग मी समथिंग, मी आई हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा आई हो जाएगा। आई वॉज बींग टोल्ड समथिंग बाई हार, सी हार हो जाएगा, वॉज होगा और बींग होगा और वी थ्री आ जाएगा, टेलिंग जो था वो टोल्ड हो जाएगा। तो चलो पास्ट परफेक्ट टेंस को देख लिखते हैं थोड़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैड वी थ्री ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैड बीन वी थ्री सब्जेक्ट, ही हैड ड्रिवन अ बाइक, ए बाइक हैड बीन ड्रिवन बाई हिम, ठीक है दोस्तों, ए बाइक जो था सामने आ जाएगा, बाई हिम ही को बाई हिम पीछे हो जाएगा, ए बाइक हैड आएगा, ये बीन तो बीच में ऐड हो जाएगा और ड्रिवन हैड बीन ड्रिवन बाई हिम। वी हैड फिनिश्ड द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई अस, सी हैड कॉल हर फ्रेंड, हर फ्रेंड हैड बीन कॉल्ड बाई हर, ठीक है, ये सी हार हो जाएगा, ठीक है, ये हर फ्रेंड सामने आ जाएगा दोस्तों। नील हैड टेकन हर पेंस, पेंस ज़्यादा पेन है एक नहीं, हर पेंस हैड बीन टेकन बाई नील, यहाँ पे भी पैसिव वॉइस फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस तक ही होगा सीमित। अभी एक्टिव वॉइस देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को क्या होता है। सब्जेक्ट विल सेल वी वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल बी हो जाएगा, वी थ्री होगा, सब्जेक्ट होगा। देखो एग्जाम्पल, आई सेल कंप्लीटेड द टास्क, आई सब्जेक्ट सेल आ गया, कंप्लीटेड हो गया, ये कंप्लीट द टास्क, कंप्लीट नहीं सॉरी कंप्लीट द टास्क, वी वन कंप्लीट, इसको पैसिव में करोगे द टास्क विल बी कंप्लीटेड बाई मी, द टास्क, ठीक है, ये वाला टास्क सामने आ गया ना दोस्तों, विल आ गया, विल बी ऐड होगा, बी वी थ्री ऐड होगा, कंप्लीटेड बाई मी, ये जो आई हो जाएगा बाई मी, ठीक है दोस्तों। रवि विल राइट 10 books, 10 books विल बी, ठीक है, 10 books आगे आ गया, विल बी हो गया, रिटेन वी थ्री, रिटेन बाई रवि, रवि पीछे आ गया। सी विल लव मी, मी आगे आएगा, आई आई के साथ सेल होता है, सेल बी लव्ड बाई हार, सी हार हो गया। दे विल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाई देम, ठीक है दोस्तों। अभी देखो ये पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस इज नॉट एप्लीकेबल, सिंपल फ्यूचर के लिए पैसिव होता है लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए पैसिव एप्लीकेबल नहीं होता दोस्तों, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए पैसिव एप्लीकेबल होता है दोस्तों। चलो देखते हैं ये फॉर्मेट फॉर एक्टिव, देखते हैं क्या होता है एक्टिव वॉइस को। सब्जेक्ट विल हैव वी थ्री ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा सामने, विल आ जाएगा, हैव होगा, बीन ऐड, इसमें बीन ऐड जाएगा, बीच में बीन ऐड हो जाएगा, वी थ्री सब्जेक्ट, आसान है दोस्तों। ही हैड ड्रिवन अ बाइक, ए बाइक हैड बीन ड्रिवन बाय हिम। वी हैड फिनिश्ड द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय अस, ये देखो द वर्क सामने आ गया, वी को आस बना के पीछे ढकेल दिया, और हैड होगा बीच में, इस बीच में बीन आ जाएगा, फिनिश्ड यहाँ पे रह जाएगा। सी हैड कॉल्ड हर फ्रेंड, फ्रेंड आ जाएगा सामने, हर फ्रेंड्स हैड बीन कॉल्ड बाई हर। नील हैड टेकन हर पेंस, हर पेंस हैड बीन टेकन बाई नील, और पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एप्लीकेबल नहीं होता। तो हमने आज पूरा स्ट्रक्चर सीख लिया एक्टिव से पैसिव वॉइस का दोस्तों, जैसे कि बोला आप कुछ भी करो यहाँ पे, इंग्लिश का कोई भी पेपर लिखो, ग्रामर का, टेंस आपको जानना है, एक्टिव पैसिव वॉइस जानना है और प्रीपोजिशन जानना है। टेंस का वीडियो मैंने अलग से बनाया, वो अभी मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी मैं दे दूंगा आपको दोस्तों। और ये एक्टिव वॉइस का वीडियो मैंने बना दिया अभी आपके लिए, और प्रीपोजिशन का वीडियो भी डाल दूंगा आपके लिए, वो भी बना के दे दूंगा। ये तीनों अगर आप पूरा जानोगे तो
कुछ भी इंग्लिश का पेपर में अपने आइडिया के साथ ये कुछ भी पैराग्राफ, समरी, नोट्स, लेटर, फ्रेज, कॉम्प्रेंशन कुछ भी लिखोगे अपने आइडिया से, ये सब तो आइडिया के ऊपर लिखना होगा आपको, ठीक है। ये स्पेसिफिकली एग्ज़ाम में क्या आएगा कोई भी नहीं बता सकता, ये सिर्फ आपके आपका जो नॉलेज है उसके ऊपर लिखना है। लेकिन ग्रामर अगर ठीक रहेगा तो आपको 80% आ जाएगा दोस्तों, कोई नहीं रुक पाएगा। तो अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ये मैंने आपके लिए मेहनत से देखो नोट्स बनाया, एक लाइक दो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों शेयर करो वीडियो को। गुड बाय।